गोपियों के पति भी हैं, मगर गोपियों का रस पति में नहीं है, क्योंकि पति वो चीज दे ही नहीं पा रहे जो श्री कृष्ण दे पा रहे हैं। अब गलत सेंस में बात को मत जोड़ना यहाँ पर, यहाँ पर रस की बात है। आपको जो सुकून कहीं से मिलेगा आप वहीं चले जाओगे। अगर आपका पति, अगर आपकी पत्नी आपको वो रस नहीं दे रही है और बाहर कहीं वो रस आपको मिल रहा है, आप वहीं जाओगे, चाहे चोरी छुपे आपको जाना पड़े। श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद गोपियां इसलिए उदास नहीं हुई कि श्री कृष्ण भगवान थे, वृंदावन छोड़ के चले गए। वृंदावन में तो किसी को पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है। गोपियां इसलिए परेशान हुई क्योंकि जो सुख गोपियों को श्री कृष्ण से मिल रहा था, उनके चले जाने के बाद वो सुख उन्हें फिर कहीं से मिला ही नहीं। जो सुकून गोपियों को श्री कृष्ण दे रहे थे, उनके चले जाने के बाद वो सुकून उन्हें कहीं पे मिला ही नहीं। उनके खुद के पति भी वो सुकून देने में असक्षम रहे जो श्री कृष्ण दिया करते थे, इसलिए गोपियां सबसे ज्यादा व्याकुल हुई। तो ये सुकून की पराकाष्ठा है। गोपियां कहती भी हैं कि जब आप वृंदावन से चले गए तो चांद भी निकले फीका फीका और तारों ने चमकना छोड़ दिया है। जब आप वृंदावन में थे तो बेरुत ही बहारें आया करती थी। ये सुकून की पराकाष्ठा है। और अगर किसी जगह से वो रस आ रहा है तो आप झूठ बोल के जाओगे उस जगह पर, मगर जाओगे जरूर। इसीलिए आप देखें कई बार कुछ संबंध ऐसे बन जाते हैं, हम घर वालों को बताते नहीं है, मगर हमारे वो संबंध चल रहे होते हैं, हम उन संबंधों को जिंदा रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मुझे वो सुकून दे रहा है जो मेरे घर में किसी ने नहीं दिया, मुझे वो पुरुष संतुष्टि दे रहा है जो मेरे खुद के पुरुष ने नहीं दी, मुझे वो पत्नी, वो स्त्री सुकून दे रही है जो मेरी खुद की पत्नी ने मुझे संतुष्टि नहीं दी। इसीलिए देखिए व्यक्ति सुकून के पीछे ही भाग रहा है। आप माने या ना माने, जहां पर आपको सुकून मिलेगा आप उस सुकून के पीछे ही भागती चली जाएंगी।